अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान है। बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि दुबई के वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स दे रहे हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर क्या हकीकत है और कितनी हकीकत है? यूए किन लोगों को वर्क परमिट दे रहा है, ये मैं पूरी डिटेल आपको अपने 3 से 4 मिनट के क्लिप के अंदर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले तक यूए गवर्नमेंट जो है वो हर उस शख्स को वर्क परमिट या फ्रीलांसर के तौर पे उनको वर्क परमिट वीज़ा दे रही थी जो एजुकेटेड थे या जो अनएजुकेटेड थे। अब कुछ अर्सा हुआ है कि यूए ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और वो उन्होंने नई पॉलिसी के मुताबिक वो सिर्फ उन लोगों को वर्क परमिट दे रहे हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमा हैं, और वो लोग भी अपनी डिग्रीज और डिप्लोमा एचईसी से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से वेरीफाई करवा के वीज़े के लिए प्रोसेस करवाते हैं और यूए गवर्नमेंट उनको वीज़े दे रही है। और व्यूअर्स, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि आया यूए की गवर्नमेंट ने हर किस्म के लोगों के लिए वर्क परमिट ओपन कर दिया है कि नहीं किया। व्यूअर्स, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ चल रही है। बहुत सारे लोग मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से एडवांस पैसे लेके वीज़ा प्रोसेसिंग का कह रहे हैं, और जबकि यूए की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आई, वो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स को वीज़ा दे रहे हैं। व्यूअर्स, मेरी आज 8 से 10 जो यूए के बड़े बड़े वेंडर्स हैं वहाँ पर, जिनके पास आईडीज़ हैं वीज़ा अप्लाई वीज़ा प्रोसेस करने की, मेरी उनसे डिटेल में बात हुई है। उन सब की एक ही स्टेटमेंट है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि यूए गवर्नमेंट ने हर किस्म की वर्क परमिट या लेबर टाइप के वीज़े ओपन कर दिए हैं। ये टोटली फेक है, आप काइंडली इस गुमराही में ना आइएगा। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, यूए गवर्नमेंट सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स को वीज़े दे रही है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमा फ्रॉम एचएससी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम से उन लोगों को वीज़े दिए जा रहे हैं। ये सुनने में ज़रूर है कि यूए गवर्नमेंट आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में अपनी पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी नरमी लाएगी, ताकि जो लेबर टाइप के वीज़े हैं लोग उसके ऊपर भी पहले की तरह जा सकें। अब व्यूअर्स, आपको किसी किस्म की इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि फ्रीलांसर वीज़ा कैसे मिलेगा, वर्क परमिट कैसे मिलेगा, विजिट वीज़ा कैसे मिलेगा, इन तमाम वीज़ाज़ की कैटेगरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको सारी डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी देर में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, और ये वर्क परमिट कब तक जो है ना आम लोगों के लिए या लेबर टाइप के वीज़े के लिए भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये छोटा सा क्लिप मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि वर्क परमिट लगना शुरू हो गए हैं। वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये टोटली फेक है। काइंडली आप किसी एजेंट्स को, किसी भी वेंडर्स को अपनी पेमेंट ना कीजिएगा लेबर टाइप के वीज़े के लिए, क्योंकि जो यूए गवर्नमेंट ने लेबर टाइप के वीज़े भी टोटली बैन किए हुए हैं। सिर्फ दुबई में जितनी भी कैटेगरीज के वीज़ा इशू होते हैं, विजिट वीज़ा हो, वर्क परमिट या फ्रीलांसर, इनसे मुतल्लिक मैं एक पूरी डिटेल के साथ मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, और अगले 1-2 दिनों तक मज़ीद वीडियो जो है ना वो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इनका क्या स्टेटस है, कब तक ये वीज़े लगने शुरू होंगे, इनकी क्या कॉस्ट होगी, कितनी देर में वीज़ा प्रोसेस होगा। इन तमाम डिटेल्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको मैंने एक मेन टॉपिक जो आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में इशू चल रहा है उन लोगों के लिए जो दुबई वर्क परमिट के लिए जानना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये पॉइंट ओपनली क्लियर कर दिया है कि दुबई में अभी किसी किस्म के लेबर टाइप के वीज़े लगने नहीं शुरू हुए। तो आज के लिए इतना ही, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, बहुत शुक्रिया।